करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम 2019, और ये एग्जाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था 9 फरवरी 2020 को। इस क्वेश्चन पेपर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसके 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बी सीरीज क्वेश्चन पेपर है, आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर होंगे, ऑफिशियल आंसर की जो है, इसलिए किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री रिसेंटली टुक द चेयरमैनशिप ऑफ G77 ग्रुप ऑफ 134 डेवलपिंग कंट्रीज विद इन यूनाइटेड नेशंस, यानी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2019 के लिए G77, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 134 विकासशील देशों का समूह है, उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, फिलिस्तीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज बिश्केक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन डी सही होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ जापान, ऑप्शन सी सही होगा, श्याम सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेस्ड पोलिटिकल पार्टी रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी रिसेंटली, यानी पूर्वोत्तर में आधारित किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, ऑप्शन सी सही होगा, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन द साउथर्न इंडिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर इट्स लोकल कॉफी वेराइटी कॉल्ड रोबस्टा कॉफी रिसीविंग अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर रिकॉग्नाइजेशन, हालिया समय में किस दक्षिण भारतीय स्थान को उसके कॉफी उत्पाद के जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी भौतिक संकेतक का दर्जा प्राप्त करने का समाचार पत्रों में के कारण उसको समाचार पत्रों में प्रमुखता मिली, ऑप्शन डी सही होगा, वायनाड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के विषय में निम्नलिखित कथनों वक्तव्यों को देखें, ऑप्शन सी सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स आर पार्टी टू द महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट, हाल ही में चर्चा में रहे महादाई नदी जल वितरण विवाद का किन राज्यों से संबंध है, ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर ट्रू, ऑप्शन ए सही होगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नीति आयोग पिच्ड द आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, व्हाट डज इट सजेस्ट, हाल के समय में भारत के नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी यानी वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की बात की है, सर्कुलर इकोनॉमी का क्या अर्थ है, ऑप्शन सी सही होगा, एक बार प्रयोग की जा चुकी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाकर संसाधन बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डिड द रिसेंटली कंक्लूडेड 24th यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज टुक प्लेस, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण परिवर्तन को लेकर 24वीं संरचना सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ, ऑप्शन ए सही होगा, कोटोवाइस पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द लेजियन द ऑनर, लेजियन ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस फॉर हिज वर्क फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, किस भारतीय को हाल ही में विशेष क्षमता वाले बच्चे के हित में काम करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लिगेन दी ऑनर दिया गया है,
ऑप्शन सी सही होगा, फ्रांसुआ लोबोर्डिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ब्रॉट इन टू ऑपरेशन, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। हाल ही प्रयोग में लाए जाने योग्य घोषित हुआ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केंद्र कहाँ है? ऑप्शन बी सही होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद मिशन ऑल आउट, मिशन ऑल आउट का संबंध किस से है? ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर में सभी शस्त्रधारी उग्रवादियों की समाप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज व्हाइट लेबल एटीएम्स आर, हाल ही में खबर में रहे व्हाइट लेबल एटीएम किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही होगा, इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व स्वचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसी तीसरे पक्ष की होगी, यानी एटीएम्स विच आर ओन्ड ऑपरेटेड एंड इवन मेंटेन्ड बाय थर्ड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 27 मार्च 2019 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल, दिस ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने पहले उपग्रह रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस अभियान को किस मिशन के तहत अंजाम दिया गया था? ऑप्शन ए सही होगा, मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द आउटर स्पेस ट्रीटी आर ट्रू, बाह्य अंतरिक्ष समझौता के संदर्भ में कौन से वक्तव्य सही है? ऑप्शन बी सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म्स, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध रक्षा संबंधित सुधारों से है? ऑप्शन ए सही होगा, डीबी शेकाटकर समिति, यानी डीबी शेकाटकर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयू विद इंडिया फॉर ट्रेनिंग ऑफ इट्स 1800 सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 1800 प्रशासनिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लिए भारत के साथ करार किया है? ऑप्शन डी सही होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना इज बिल्डिंग द फर्स्ट ऑफ फोर मोस्ट एडवांस्ड नॉवल फ्राइगेट्स फॉर विच कंट्री एज पार्ट ऑफ अ मेजर बाइलेटरल आर्म्स डील, चीन अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़े का निर्माण किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय शस्त्र समझौते के तहत कर रहा है? ऑप्शन सी सही होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी टू क्लाइंब हाइएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, किस भारतीय अपंग महिला ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाली पहली अपंग महिला होने कीर्तिमान बनाया है? ऑप्शन ए सही होगा, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड द फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 2018, सितंबर 2018 में आयोजित हुए बहुचर्चित चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन डी सही होगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट बियरर्स ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ऑफ द कंट्री रोट द बुक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 year in office, this book was released by PM Narendra Modi, हाल ही में किस भारतीय राजनेता की पुस्तक moving forward on a year in office का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? ऑप्शन सी सही होगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च मार्स मिशन होप बाय 2020। किस देश ने हाल ही में अपना होप नामक मंगल ग्रह का अभियान 2022 तक शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ रेलवेज हैज स्टार्टेड टू फंक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? राष्ट्रीय रेल एवं यातायात संस्थान, जो कि रेलवे का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान है, किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल हैज कम अप ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन रिवर्स? भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड पुल बोगीबिल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12-day-long सागरमाथा फ्रेंडशिप टू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? 12 दिन लंबी सागरमाथा मैत्री टू संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों का साझा युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन सी सही होगा, चाइना एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडिया बेस्ड ऑटोमोबाइल गेंट्स रिसेंटली डिक्लेयर टू बिकम अ कार्बन नेचुरल कंपनी बाय 2040? किस भारतीय वाहक निर्माता कंपनी ने वर्ष 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बना लेने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी सही होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज प्रपोज टू बी द थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द मल्टी बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिंग थ्रू पीओके? ऑप्शन डी सही होगा, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग्स लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? जीवन जीने में सरलता का सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि केंद्रीय शहरी आवास मामलों में मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, उसके अनुसार भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी सही होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सही होगा, अनिल मणिबाई नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज इन इट्स कोर्ट्स एज पार्ट ऑफ अ मूव डिजाइन टू इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस? किस देश ने न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना आरंभ किया है? ऑप्शन सी सही होगा, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस? ऑप्शन डी सही होगा, भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which schedule of the Indian Constitution contains the name of states and their territorial details? Option B सही होगा, first. Next question, which article of Indian Constitution reads, it would be the responsibility of the Union to safeguard the states from external threats and internal disturbances? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी कोड इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2016 वॉज द बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय? ऑप्शन डी सही होगा, टी के विश्वनाथन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड एज द एडिटर? ऑप्शन डी सही होगा, फर्स्ट थर्ड एवं फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच रिगार्ड टू द नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस फॉर्मड इन 2017। ऑप्शन बी सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न विद द रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कुचल खर्च की नियमितता और मितव्ययता का ध्यान रखने से संबंधित है? ऑप्शन ए बी सी सही होगा, लोकलेखा समिति, पब्लिक एंड अकाउंट्स कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ आईएएस आईपीएस एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज। किस आयोग ने आईएएस आईपीएस सहित सभी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन बी सही होगा, राजमनार कमीशन, राजमनार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स। ऑप्शन बी सही होगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही होगा, ओनली वन। महान्यायवादी पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली हैज बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ऑप्शन सी सही होगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वन द अवार्ड फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण कोड सर्वेक्षण डन अंडर स्वच्छ भारत अभियान। किस भारतीय नगर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार देश का सबसे साफ सुथरा नगर घोषित किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन टू बी सेट अप एट विच स्टेट। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को किस राज्य में स्थापित किया जाना तय हुआ है? ऑप्शन बी सही होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द एंगेज्ड स्पीसीज इंडस रिवर डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल्स एज द स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल। किस राज्य ने अति संवेदनशील प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन जो कि एक विरल सतनपाई है उसको अपना राजकीय जल जीव घोषित किया है? ऑप्शन ए सही होगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईपीएस ऑफिसर हैज गॉट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ऋषि कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच स्टेट ऑक्यूपाइड द टॉप स्लॉट इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड बाय स्टेट्स इन बजट फॉर्मुलेशन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के अनुसार हाल ही में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अच्छी व्यवस्था करने वाला प्रदेश किसे बताया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स नेम्स न्यू रजिस्ट्रेशन चेंजेस और करेक्शन इन द वोटर आईडी कार्ड्स फॉर द 2019 जनरल इलेक्शन। ऑप्शन बी सही होगा, वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, मतदाता जांच एवं सूचना कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डेडिकेटेड डीडी चैनल लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अरुणाचल प्रदेश को समर्पित दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, अरुण प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन सुबर्णरेखा पोर्ट इज कमिंग अप इन विच ऑफ द
द फॉलोइंग स्टेट, सुबर्णरेखा बंदरगाह जो कि एक महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, किस राज्य में निर्मित हो रहा है? ऑप्शन सी सही होगा, उड़ीसा। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस द इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर रिसेंटली गॉट कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। किस भारतीय कनाडियन फिल्म निर्माता को अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा और टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन डी सही होगा, दीपा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द अनडाउंटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज्ड बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी? ऑप्शन ए सही होगा, पी चिदंबरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी हैज पुट अ फाइन ऑफ रुपीज 100 करोड़ ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स एंड कैनल ऑफ द स्टेट। नेम द स्टेट। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की सरकार को अपनी नदियों नहरों को साफ ना रखने के कारण 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी सही होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी। हाल ही में संपन्न हुआ 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मरुस्थल उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन डी सही होगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन सिटी होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019। किस एशियाई शहर ने 2019 के विशेष ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? ऑप्शन बी सही होगा, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली रिकमेंडेड टू बी द फर्स्ट लोकपाल और एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया। किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, पिनाकी चंद्र घोषे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द न्यूली एस्टेब्लिश्ड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर एट? दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड बाय इसरो बाय फॉर स्कूल चिल्ड्रन। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम बताएं जो स्कूली बच्चों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, युविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉनों के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, सूत्र युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर वॉज एसोसिएटेड विद, लुई पास्चर किस से संबंधित थे? ऑप्शन सी सही होगा, द थियरी ऑफ बायजीनीज, जीव जनन से संबंधित से थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, May 22, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ फॉलोइंग। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन सी सही होगा, ओजोन, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। खाने के कनस्तर में टिन की परत होती है ना कि जिंक की, क्योंकि क्या होता है उसमें? ऑप्शन सी सही होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। ऑप्शन डी सही होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैलेंसिटी?
निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन बी सही होगा, लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ हिज थियोरीज? आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश वैद्युता प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सूर्य को ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन सी सही होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? वनस्पतियों में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए सही होगा, पानी के परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल? निम्न में से किसे कोशिकाओं का पावर प्लांट भी कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द इंडियंस अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? ऑप्शन सी सही होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वायसराय? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था परंतु केवल वायसराय नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द अकालीज टेक द कीज ऑफ द गोल्डन टेंपल एट अमृतसर एंड अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर? अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां पर अपना मैनेजर कब नियुक्त किया? ऑप्शन बी सही होगा, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पेपर ऑफ एनी बेसेंट? ऑप्शन डी सही होगा, कॉमन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसुया बेन वन ऑफ द गांधी मैन ल्यूटेनेंट्स वॉज द सिस्टर ऑफ? गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुया बेन किसकी बहन थी? ऑप्शन ए सही होगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल्स इन द शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वेंडेड बाय लॉर्ड वेवेल इन 1946? 1946 में निम्नलिखित में लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए सही होगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन कैलकटा इन 1914? 1914 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजिडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919? 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए सही होगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग
सिटीज वेयर वॉज ओपन द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ कॉलेज फॉर वुमेन इन 1916। 1916 ईस्वी में निम्नलिखित नगरों में से किस में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था? ऑप्शन डी सही होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु रोट अ कमेंट्री ऑन द बाइबल? निम्नलिखित में से किसने बाइबल पर एक टिप्पणी लिखी? ऑप्शन सी सही होगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ द अहमदियाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टिसिपेशन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के विभाजन के उपरांत अहमदियों ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन ए सही होगा, रावाब रबुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जालंधर बाय द आर्या समाज? आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय कब स्थापित किया? ऑप्शन बी सही होगा, 14 जून 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्रेजी मोमेंट? ऑप्शन डी सही होगा, इट्स लीडर्स प्रीच्ड इन पर्शियन एंड उर्दू ओनली, इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रेंड एन एनुअल ग्रांट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर एजुकेशन? ऑप्शन बी सही होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वॉज ओपन्ड द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन द पंजाब? पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? ऑप्शन सी सही होगा, 1856 एट रावलपिंडी, रावलपिंडी में 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स? निम्नलिखित में से लघु चित्रकला की कला में कौन महान ब्रिटिश कलाकार था? ऑप्शन बी सही होगा, जॉन स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जमत इस्लामी? निम्नलिखित में से जमत ए इस्लामी के बारे में क्या सही है? ऑप्शन सी सही होगा, इनके 4 पत्रिकाएं प्रकाशित थी, इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की, यानी इट ब्रॉट आउट 4 पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ द हिंदू महासभा? निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था? ऑप्शन बी सही होगा, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नामधारी लीडर बाबा राम सिंह वॉज द डिसिपल ऑफ? नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह किसका शिष्य था? ऑप्शन डी सही होगा, बालक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसिस इन नाउ यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमिनिंग द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल? विभाज्य राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारण करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं लिया गया? ऑप्शन बी सही होगा, डेमोग्राफिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017, व्हाट इज द परसेंटेज कवरेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री? इंडिया राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन डी सही होगा, 21.54%। वॉट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए सही होगा, वन एंड सेकंड ओनली, यानी लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड अ ईयर बिफोर टू इट्स ओरिजिनल टर्म? किस पंचवर्षीय योजना को उसके पूर्व निर्धारित समय के पहले ही समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन बी सही होगा, फिफ्थ, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस्ड बाय? राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी सही होगा, चेकिंग द ओवरड्यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड्स, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंड व्हाट आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, ओनली फर्स्ट, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।